पांच जिले में भारी बारिश और 20 में हल्की बारिश की संभावना। भागलपुर में NH-80 पर बना डायवर्सन फिर टूटा। मुंगेर में गंगा वार्निंग लेवल के पार। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है, यही वजह है कि प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने के वजह से लोग उष्ण भरी गर्मी से परेशान हैं। इसी बीच मानसून विभाग ने आज पटना समेत 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को 5 जिलों में भारी बारिश और 20 जिलों में हल्की बारिश की अलर्ट जारी किया है। इधर बक्सर से लेकर मुंगेर तक गंगा का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में पटना के गांधी घाट पर 7 सेंटीमीटर और हाथीदह में 3 सेंटीमीटर जलस्तर में कमी आई है। हालांकि मुंगेर में अब भी गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण जिले में 38 स्कूल ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं। इसके कारण बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। वहीं भागलपुर में बाढ़ के कारण NH-80 पर बना डायवर्सन रविवार को फिर टूट गया। इससे कहलगांव से आवाजाही प्रभावित हो गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए नाव चलाई जा रही है। कहलगांव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर और कहलगांव में गंगा का पानी लाल निशान से ऊपर है। इसका प्रभाव दियारा इलाके में पड़ा है। दानापुर और सोनपुर प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव को आने जाने के लिए नाव के ही साधन हैं। दियारा इलाके के गांव में स्कूल इस समय नहीं खुलता है। अस्पताल में भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इधर उत्तर बिहार की घघरा समेत 5 बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। इसमें गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदी शामिल है। इन नदियों के निचले इलाके में पानी फैला हुआ है, इससे आम जनजीवन व्यस्त है।